भाई ये जी जय माँ काली नॉन वेज ढाबा, यहाँ मिलता है जी बकरे का मीट, मुर्गे का यखनी, पेटी, खरोड़े का सूप। भाई स्किन वाला जो मुर्गा रहता है यार, ये बहुत फ्लेवरफुल रहता है भाई। तो लो जी पड़ गया जी अपना मुर्गा भाई। ये जी भाई मटन करी, टिक्की मसाला, क्या होता है टिक्की मसाला? हाँ चलो यार, मटन को क्यों नाराज करना, इसकी भी तरी खा लेंगे यार। सो सॉरी यार, हल्का सा नमक तेज हो गया यार। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज जा रहा है कहाँ भाई? टिकरी। भाई टिकरी में भाई किसी ने बताया भाई ने कि भैया टिकरी को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एक जय माँ काली नाम से एक ढाबा है जहाँ पर भाई खरोड़े, भाई मटन, चिकन, भाई सब मिलता है भाई के पास, ठीक है जी। तो जी मैं अब टिकरी बस पहुँचने वाला हूँ, क्या पहुँची कैसे समझ लो जी। देखो ये टिकरी रही और यहाँ से हमको भैया खब्बे मुड़ने का, हाँ लेफ्ट साइड मुड़ना है। देखो जी ये गया रास्ता उधमपुर के लिए, यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ने का और इसी के अंदर कोई 200 मीटर पे कहा उन्होंने भैया जय माँ काली ढाबा है जी भाई आपके लेफ्ट साइड पे यार। हाँ अब आप देखो कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता, बस ढूंढ ढूंढ के भाई पहुँचता हूँ मैं यार, ठीक है जी। भाई मैंने भाई से पूछा, भाई बोला जी आगे है, बस पहुँचने वाले हो आप, कोई वाइन शॉप है उसके सामने, बोला जी ये है ना वाइन शॉप राइट साइड पे। भाई ये रहा जी जय माँ काली नॉन वेज ढाबा, यहाँ बकरा मीट, मुर्गा, यखनी, पोटी, खरोड़े, सूप सब मिलता है। तो जी मैं गाड़ी को लगाता हूँ कहीं साइड वे ताकि यार कहीं जाम जूम ना हो जाए यार, है नहीं। तो जी मैंने आपको रोड मैप दिखा दिया कि मैं कहाँ से आया, मैं जम्मू से आया, फिर मैंने लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ के कोई 200 मीटर अंदर आया। तो जी ये देखो ये जो अपना वाइन शॉप यहाँ का भाई लैंडमार्क रहेगा, ये चिकन शॉप एक और भी है। तो ये रास्ता गया जी अंदर भाई अपना विलेज, हाँ भाजी विलेज गया अपना टिकरी का, ये कटरा, अच्छा कटरा अटैच होता है ये जी, जंगल गली रियासी वगैरह। तो भाई ये देखो जी बहुत ही प्यारा ढाबा है भाई, अच्छी जगह अपने रिकमेंड की है मुझे, इतना सुकून मिलता है जी ऐसी जगह पे आके मैं कोई ऐसा ही में यार। भाई ये जी जय माँ काली नॉन वेज ढाबा, यहाँ मिलता है जी बकरे का मीट, मुर्गे का यखनी, पेटी, खरोड़े का सूप सब मिलता है जी यहाँ पर, हाँ जी। तो ये जी स्थिति पर ढाबे की, बहुत प्यारा ढाबा है यार, बहुत ही प्यारा है। तो जी ये हैं वो सर भाई जिनसे मेरी बात हुई अभी, ठीक है, इनका नाम है जी राजेंद्र सिंह जी है। भाजी क्या क्या बनाते हो, क्या क्या खिलाते हो सर? बकरे का मीट, यखनी, मुर्गे का मीट, मुर्गे का मीट। ओके, मतलब फ्रेश बनाते हो या बनावा? ना सर फ्रेश है, फ्रेश है, अभी फ्रेश बन रहा है। मुर्गा मीट ये फ्रेश बन रहा है। ये क्या बना, कढ़ाई मुर्गा? 100 रुपए के 10 पीस, 100 रुपए के 10 पीस, 10 पीस। कमाल है जी, अपना फॉर्म है जी आपका? चलो बढ़िया है यार। तो अंडे वगैरह भी, हां सब कुछ मिलता है, प्लाड़ी अंडे छोटे सब सब मिलता है। तो पाजी भाई देखो जी अंदर भाई लोग बैठे हुए, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा भाई, अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है जी, क्योंकि बात काफ़ी लोग होते हैं जो कैमरा शाय होते हैं भाई, कैमरे पे नहीं आते यार, है ना। तो जी ये स्थिति, बाकी भाई देखो जी ये कढ़ाई अभी जैसे भाई ने बताया जी, यखनी मिलती है, मटन मिलता है जी, रोगन जोश है ना, तो अपना ये अपना कढ़ाई मुर्गा, नानून, चावल वगैरह सब सब मिलता। तो पाजी सब कुछ ना हाफ हाफ लगा ही दो आप, मुर्गा हाफ लगा दो, अगर यखनी है तो यखनी भी हाफ खिला दो, और अपना और क्या कहा था आपने, हाँ बकरे का मीट हाफ, यखनी हाफ और ये मुर्गा हाफ खिला दो जी, हाँ साथ में दो रोटियां और इतने चावल है। तो जी ये हमने ऑर्डर दे दिया, अच्छा पाजी रेट बताया नहीं आपने, यखनी का रेट क्या है? नहीं नहीं पाजी यखनी का रेट क्या है? 200 रुपये का हाफ, कितने पीस? पाँच पीस बकरे में, और जो कढ़ाई मुर्गा बन रहा है जी इसका, इसका सर आगे रेट है, इसका क्या रेट है? ये डिमांड पर बता सर, डिमांड पर आधा केजी का, अच्छा आधा केजी 220 के हो गया, जैसे 100 का लगाते हैं। अभी मैं हाफ जो बनवाऊंगा 220 का बनेगा वो, हाँ वो तो जी हाफ ये भी लगवा दो आप, ठीक है जी। और हाफ प्लेट राइस कितने की है सर? इसमें सर कोई 7-8 की बजट है, राइस 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 40 की सर, 40 का हाफ और रोटी 10 रुपए की एक। तो पाजी मैंने जो बताया यखनी लगा दो, चिकन कढ़ाई लगा दो, और अपना रोगन जोश लगा दो जी, ये करी लगा दो जी हाफ हाफ, हाँ। तो इतमान से हम गाड़ी में ट्राई करेंगे, क्यों यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को हम। तो जी बाकी माहौल देख लो आप भाई, विलेज टिपिकल गाँव है अपना, बहुत प्यारा गाँव है, माहौल देख लो, मौसम भी भाई थोड़ा बारिशों वाला होने वाला है भाई। देखो जी सारी स्थिति देख लो आप, ये सारी स्थिति है। तो जी अब देखते हैं जरा मेकिंग वुकिंग देते हैं भाई, यखनी कहाँ बनाइए, यखनी कहाँ पर दिखाओगे जरा? अभी नहीं बनाई सर, अभी मीट बना, दही डालना है अभी। तो कितने टाइम कितना लगना है इसके ऊपर? आधा घंटा लग जाएगा सर। तो फिर अभी क्या खाएंगे हम? अभी सर मुर्गा बना, मीट नहीं बना हुआ है, मीट बना ना, तो ठीक है फिर मीट, हाँ मीट लगा दो, मीट कहाँ पर है, मीट दिखा दो, मीट कहाँ बकरे का मीट? अच्छा ये अपने बना कर रखा बकरे का मीट, ओके अच्छा गर्म करना, तो अच्छा मतलब मीट अब कम बनाते होंगे, हाँ जैसे ऑर्डर पे जाता सर सारा, ओके ओके समझे, ज़्यादा मतलब फोकस चिकन पे ही है। हाँ जी हाँ जी, हाँ ओके ओके भाई, यखनी अवेलेबल नहीं थी, सॉरी यार, क्यों कहते हैं भाजी वो बनाना पड़ेगा, हाँ तो ये क्या, अच्छा अभी कुकर में डाला, अभी इसको बनाना सर अभी, अच्छा यखनी की तैयारी की है लेकिन बनने को अभी, हाँ ओके ओके, नहीं भाजी इतना टाइम कहाँ होता हमारे पास, तो कोई नहीं जी हम मटन खाएंगे जी, करी और ये कढ़ाई मुर्गा खाएंगे जी। तो फ्राई मुर्गा नहीं बनाते हो आप?
ऑर्डर पर ओके ओके। तो ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है भाई, भाई ने प्याज डाल दिया जी। भाई हाँ बना रहे हो ना भाई? ग्रेवी कौन सी होती है? ये सिंपल होता है, सिंपल, कोई मसाला वगैरह कोई। तो जी चिकन चुकन वॉश हो गया हुआ है भाई। स्किन वाला स्किन है, स्किन वाला मुर्गा ना ये, बहुत बढ़िया भाई। स्किन वाला जो मुर्गा रहता है यार, ये बहुत फ्लेवरफुल रहता है भाई, क्रीमी क्रीमी रहता है यार। लो जी पड़ गया मुर्गा भाई। कितना, आधा किलो मुर्गा ना ये? ओके जी, बहुत दो तीन मंडे बनाते हैं। हां क्या क्या जी भाई? बहुत बढ़िया सबको जी बना के देते हैं। हां भाई आपने खाया कभी? हां बिल्कुल, क्यों नहीं खाया। स्वाद आया नहीं? अपने अपने हाथ का स्वाद ज्यादा आता है या इनके हाथ का स्वाद ज्यादा आता है? मेरे हाथ का। सच में यार, आऊंगा ना, नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगा आपके पास यार। अब हो गया अभी? हां भाई, बाजी कह रहे हैं यार हम भी बनाते हैं तो हमारे को भी भाई लेके आओ अपने लूप में। मैं कहा पाजी नेक्स्ट टाइम पक्का, आज थोड़े बिजी। क्योंकि ये भाई का ना कमेंट आएगा, हमको इन भाई का कमेंट आएगा, इनका इनका कमेंट आएगा वीडियो में कि भैया टिकरी जाओ। मैं आपको चाय चाय अपने हाथ की नहीं, अभी नहीं ना चाय, कहाँ भी नहीं यार, अभी मुर्गा खाएंगे ना यार। अरे हम नेक्स्ट टाइम चाय पियेंगे ना आपके हाथ की यार। अजी नाम बताया नहीं, नाम क्या बताया, नाम क्या आपका? कुलदेव सिंह। कुलदेव सिंह बढ़िया नाम है यार। नहीं बस बस मैं देख रहा हूँ ना, ये दिखाना पड़ता ना यार भाइयों को यार। तो जी भाई अपने ना काफ़ी टाइम से 15 मिनट से ना राड लगा रहे हैं यार, ठीक है जी। तो जी अपने जी कुछ मसाले भाई जी, यदि अरे जम्मू की जान, देसी मुर्गे की जान भाई, टिक्की मसाला है ना भाई कुलदीप भाई? हाँ भाई, टिक्की मसाला भाई जम्मू की जान रहती है और भाई देसी मुर्गे की जान रहती है। हाँ भाई टिक्की मसाला क्या होता है? टिक्की मसाला राड पकड़ती है। ओके देखो जी, मतलब देखो रंगत क्या, देखो रंगत की रंगत क्या आई है अंकल दे भाई, देखो रंगत, देखो रंगत क्या आई है। ये टिक्की मसाले से आती है, ये जी बड़ा तनिया भर भर के भाजी पढ़ना कोई मसाला और यह बन गया भाजी बनना है ना। ये जी कूटी दरदरी मिर्च कोई थोड़ी सी, ये बड़ा जी हल्दी यानी कि हल्दी, क्या जबरदस्त रंगत आई है यार। भाई आप मुझसे भाई पूछते हो भाई कि आप इन ढाबाओं की वीडियो बनाते हो जी, हाँ आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह वीडियो बनाते हैं भाई? देखो मुझे ना स्वाद ही ऐसे ढाबों पे आता है यार। कैसे? तो एकदम बेसिक ढाबे, रोड साइड ढाबे ना, मुझे रेस्टोरेंट्स में ना भाई खाने का स्वाद नहीं आता है यार। ये जो होता है चीज़, इसका स्वाद ही अलग होता है यार, समझे मेरी बात आप? ये रीज़न है कि मेरे को इन ढाबों को मैं क्यों एक्सप्लोर करता हूँ, क्यों भाई मुझे खुद स्वाद आता है यार, ये रीज़न है। रेस्टोरेंट का क्या जी, बैठे एसी के अंदर है, कोई मज़ा नहीं, कोई स्वाद नहीं। लो जी भाजी बन के तैयार है ये मुर्गा हमारा, तैयारियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं जी। बस ये जो मटन है थोड़ा गर्म होएगा। तो लो जी पड़ गया जी अपना मुर्गा भाई, सारे का सारा हाफ बनवाया जी हमने। वाह यार खुशबू क्या ही बताऊँ यार, रंगत देखो, रंगत, हाँ रंगत देख रहे भाई। भाई ये जी भाई मटन करी अभी गर्म होने है ना भाई? हाँ तो जी जब तक मटन करी गर्म होती है तब तक मैं ऐसे लैंड कराता हूँ गड्डी जो। तो आ भाई चल भाई, टिकरी के मुर्गे मुर्गे चल तू गड्डी लैंड होने जी, मुर्गा लैंड। तो जी मटन करी भी अब गर्म होने को तैयार है जी। भाई हाफ है ना ये? तो जी किंग भी अपना जच चुका हुआ है। इसी का वेट होता है मटन करी का। भाजी एक एक्स्ट्रा प्लेट मिल गई मेरे को, एक्स्ट्रा प्लेट यार, खाली प्लेट ताकि ये ना नीचे ना गिर जाए बस। लो जी लो, करो दरवाजा बंद। भाई मैं पहले ना खाली प्लेट का वेट करता हूँ, नहीं तो क्यों ये तरी ना डुल जाएगी यार, हैं फिर क्या करना यार, है नहीं? तो जी अपना कंसाइनमेंट आ चुका है भाई, देखो यार। भाई ये तो मुर्गा आपने देखा भाई बनते हुए, है नहीं? ये जी स्थिति है, ये हाफ है, रेट तो बता दिया भाई ने क्या रेट किया इसका, है ना भाई? ये मटन है, मटन के निक्के निक्के पीसे पर बहुत पीस है यार, देखो ना एक दो तीन चार पांच पीस है, पांच, ओ देखो डूर गया। मैंने कहा ना ये ऐवें पंगा पंगा पड़ता रहता है यार, इसके भीतर इसको यहाँ बढ़ा देते हैं जी जैसे, हाँ बैठ जाए यार। तो जी अब मुद्दा ये है कि सब सेट करके रखते हैं, तो आओ जी सबसे किंग तो लाई भाई, किंग भी देखो, किंग की एंट्री हो चुकी है भाई। सबसे पहले ना मैं इस मसाले को ट्राई करेगा भाई, टिकरी के पानी का मसाले का क्या टेस्ट है जी, पानी का टेस्ट कैसा है यार? सो सॉरी यार, हल्का सा नमक तेज हो गया यार, गड़बड़ हुई है थोड़ी बहुत, बट किंग के साथ अगर खाऊंगा ना तो कम महसूस होगा, लेकिन ऐसे यार ना जब नमक थोड़ा तेज़ होता है ना तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि यार कि फ्लेवर क्या आ रहा है इसके भीतर यार। क्या करे, मसला हो गया यार, है नहीं? क्योंकि अब टेस्ट रिव्यू करना बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए। और कोई नहीं, आओ चिकन खाते हैं, चिकन देखते हैं चिकन में क्या फ्लेवर है यार, इतना क्या सोचना यार, है नहीं? क्योंकि
रिव्यू तो करना ना यार। चिकन खाने पे महसूस नहीं होता, बट फ्लेवर भी ठीक है, समझे मेरी बात। ओवरऑल जो टेस्ट है ठीक है, उतना वो नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, जाबरा टाइप नहीं है, ठीक है। मसला क्या हुआ ना, मसला वही हुआ कि जो नमक थोड़ा तेज हो गया यार। देखो स्किन, ये स्किन वाला यूज़ करते हैं मोस्टली यार, विलेजेस में ना स्किन यूज किया जाता है यार, स्किन वाला मुर्गा। वैसे स्वाद है यार, बट ये कि नमक ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा यार। अब देखते हैं जी मटन इसका यार, इस पर देखते हैं करी कैसी है। करी बहुत पतली है, बहुत ही पतली है यार, ठीक है ठीक है। देखिए ज़रा मटन का कोई पीस नली तो यहाँ पर होगी नहीं यार, क्यों पीस ऑलरेडी वो छोटे छोटे ना। लेकिन चीज़ें कि माल फ्रेश बनाते हैं, ज़्यादा वो बना के नहीं रखते, क्यों बिकना चाहिए ना यार। ठीक है, अच्छा गला हुआ है, ज़्यादा वो नहीं है, चीची नहीं है, अच्छा है। बल्कि टेस्ट भी इसका भी थोड़े मसाले ना थोड़े वो गए हैं, थोड़े बोलते ना वो थोड़े मसाले थोड़े कच्चे टाइप रह गए हुए हैं, शायद शायद भुने नहीं गए अच्छे से, बट ठीक है यार, समझ रहे हो यार। तो बाकी रोटी राटी तो है नहीं, तो कोई नहीं, मैं इसी का मसाला निकालेगा, मुर्गे का मसाला, और इस पर डोलेगा। मेरे को ना इसका मसाला यार कुछ वो नहीं लग रहा, मैं इसलिए मटन का मसाला नहीं खाऊँगा यार। यार तू बैठ जाना यार, प्लीज़ यार बैठ जा तू यार। हाँ भाई पहली बाइट, मैंने कहा ना चिंते तो खाने पे नमक बैलेंस हो गया, वो फ्लेवर गुड 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 आ गया। चलो यार मटन को क्यों नाराज़ करना, ठीक है ना, इसकी भी तरी खा लेंगे यार, कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर क्या बात हुआ, फिर कोई थोड़ी बात हुआ। चलो देखते हैं इसके साथ क्या फ्लेवर आएगा। नहीं यार चिकन का स्वाद मुझे मटन के स्वाद से ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। तो जी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा जय माँ काली जो नॉनवेज ढाबा है भाई, ठीक रहा, बल्कि मैं इतना नहीं कहूँगा कि धमाका रहा, ठीक रहा, तो क्या ही बोलूँ मैं ज़्यादा यार, है ना। तो दोस्तों ये था जी टिकरी से जय माँ काली भाई नॉनवेज ढाबा भाई, हो सके तो ज़रूर आना, एक बार ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा, कैसा बना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।